दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सीएमएचओ के आड़ में नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया, जबकि उसका जवाब पहले ही दिया जा चुका था। इतना ही नहीं, पत्रकार वार्ता में डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने स्वास्थ्य विभाग पर गलत तरीके से वीवाई अस्पताल को बंद कराकर नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला पर पैसा उगाही करने का आरोप लगाया है। दुर्ग जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की आड़ में की जा रही वसूली के खिलाफ पीड़ित अस्पताल के संचालक अब एक एक करके सामने आने लगे हैं और उन्होंने दुर्ग में पदस्थ नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। इसी कड़ी में उतई रोड जेल के समीप स्थित वीवाई अस्पताल के संचालक डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने मोटी राशि की डिमांड की पूर्ति नहीं करने पर अन्यायपूर्ण व मनमानी तरीके से की गई कार्रवाई का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है और दुर्ग जिलाधीश से इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर पहल करने की मांग की है। इस मामले का रोचक पहलू यह है कि नोडल अधिकारी ने इस अस्पताल के एक ऐसे लाइसेंस को निरस्त करवाया है जो कार्रवाई की अवधि से पहले ही रद्द हो चुका था। अब उनको समझा, मुझे लगा कि मैं नहीं समझा पाया, या तो उनके पास समय की अब समय अभाव अभाव होगा उनको। चल इस चुनावी वो भी चली रहा है। अनिल शुक्ला नहीं, उनका क्या रवैया है ना, क्योंकि देखिए वो आप सब को जानते हैं अनिल शुक्ला के बारे में। मैं आपको ये बता दूँ, ये तानाशाही तो इससे पहले जो टीम थी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर और खंडेलवाल सर से, पिछले 10 साल से मैं 2012 से मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ ये हॉस्पिटल को, आज तक मुझे किसी तरह की कोई शिकायत मुझे सीएमएचओ कार्यालय से नहीं हुई। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कीप फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए थोड़ी देरी के लिए मान लीजिए अगर ये गलती मेरे से हो जाती है तो पहला गलती मान के आप मुझे क्षमा कर सकते थे, लेकिन मैं इस गलती को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो गर्भवती नहीं थी। गर्भवती थी लेकिन बच्चा पेट में मरा हुआ था। अगर एक बच्चा, एक गर्भवती लेडी अगर सड़क किनारे जाता है और एक्सीडेंट से मर जाता है, उसका हेड इंजरी हो जाता है, तो आप उसके माता मृत्यु मारेंगे कि हेड इंजरी में हम मानेंगे? तो मेरा काम है क्रिटिकल केयर, तो मैं क्रिटिकल केयर से ही देख रहा था। हाँ, बच्चा लाइव होता और बच्चे मरा है उसका प्रमाण भी है यहाँ पे, जो नर्सिंग होम में, देवराज नर्सिंग होम में किया गया था, उसकी सर्टिफिकेट भी मैंने लगाया हूँ आप लोग के समक्ष में, सोनोग्राफी का वो रिपोर्ट भी है, ये इंटरव्यू टाइम दे। तो इस तरह की जो ये आपको बता दें, इस मामले में अस्पताल के डायरेक्टर विश्वनाथ यादव ने पूरे घटनाक्रम की जानकारियां प्रमाणिक दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराते हुए पूरे मामले की तिथिवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना के 6 माह बाद 6 सितंबर 2023 को सीएमएचओ दुर्ग के द्वारा नोटिस दी गई, जिसमें मृतक दिलेश्वरी साहू के संदर्भ में पूरी जानकारी एवं बेडहेड टिकट इत्यादि की मांग की गई, जिसमें डॉक्टर यादव ने बताया कि ये नोटिस हमें डाक के द्वारा 8 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुआ। इसके उत्तर में हमने 19 पेज का बेड है टिकट जांच के पेपर इत्यादि सहित फॉर्म 4 व फॉर्म 6 भरकर 11 दिसंबर 2013 को सीएमएचओ कार्यालय में जमा भी करा दिया। इसके साथ ही कवरिंग लेटर और पावती हमारे द्वारा ली गई। वही 20 दिसंबर 2023 को सीएमएचओ कार्यालय से हमें एक और पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 6 दिसंबर की नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। इसके बाद हमने सारे जवाबी दस्तावेज 2 जनवरी 2024 को पुनः जमा कराए और फिर उसकी भी पावती ली। जो लाइसेंस इसने रद्द किया है वो लाइसेंस है 2019 में हमको मिला था 14 रेट के लिए, टी दुर्ग उसका नंबर है, ये लाइसेंस हमको रद्द करने का मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लाइसेंस मेरा 2021 में रद्द हो चुका है, ठीक है, ये लाइसेंस 2021 में ही रद्द हो चुका था। अभी मुझे ये समझ नहीं आता कि ये पढ़े लिखे और जो सरकारी हैं, क्योंकि ये रद्द लाइसेंस है, फिर आपने दोबारा उसको रद्द कर दिया, वो लाइसेंस हमारा अस्तित्व ही नहीं था, आज तक नहीं। हमको 2021 में नई लाइसेंस मिली गई है जिसमें बताता है 22 का, क्योंकि 14 रेट का लाइसेंस है उसमें ऐसा होता नहीं है। 2021 में मुझे नया लाइसेंस, नया लाइसेंस आप कितने बैठ कर लिए थे? पहले 14 बेड मिला था 2019 में, जी, जो 21 में रद्द हो चुका था, करवा दी थी कि हम, फिर हमको 2021 में ही नया लाइसेंस मिला था 22 बेड का, 22 बेड का, जिसके आधार पर हमने आयुष्मान कार्ड काट लिया।
आपको बता दें कि दुर्ग मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जे पी मेश्राम और नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला के द्वारा जुगलबंदी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का खुलासा करते हुए डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सभी मामले में दुर्ग कलेक्टर को गुमराह कर आधी अधूरी जानकारी परोसी गई और साथ ही 20,000 फाइन की फाइल को दबा रखा। उन्होंने ये बताया कि जब आरटीआई के तहत मैंने जानकारी चाही तो अब तक मुझे पत्र पोस्टल की जानकारी नहीं दी गई। साथ ही डॉक्टर यादव ने ये भी कहा कि प्रकरण में कार्रवाई की प्रक्रिया के बीच नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला द्वारा मोटी राशि की डिमांड की गई थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग होम एक्ट के नाम पर अस्पताल के संचालकों को कार्रवाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इससे पहले जब गंभीर सिंह ठाकुर सीएमएचओ थे और नोडल अधिकारी डॉक्टर खंडेलवाल थे, तब वसूली का कोई भी घटनाक्रम घटित नहीं होता था। इस नोडल अधिकारी को डायरेक्ट नोटिस जारी करने का अधिकार किसने दिया? ये अधिकार कलेक्टर व सीएमएचओ को है, लेकिन नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला डायरेक्ट अस्पतालों को नोटिस जारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनके अस्पताल के जिस लाइसेंस को निरस्त किया गया है वो 2021 में रद्द हो चुका है। ये लाइसेंस 2019 में 14 बेड का बना था, 2021 में उन्होंने 22 बेड का नया लाइसेंस लिया। ये लाइसेंस उनके पास सुरक्षित है, इसके आधार पर वे अपना अस्पताल फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टर के आदेश के पालन को उन्होंने प्राथमिकता दी है। उन्हें दुर्ग कलेक्टर इस मामले में संज्ञान लेकर न्याय की उम्मीद के साथ डॉक्टर विश्वनाथ ने उच्च स्तरीय जांच कर गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग तक कर डाली। हमें जो आदेश आया था वो बंद करने का आदेश आया है, क्योंकि हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया था, और जो लाइसेंस रद्द हुआ वो 2021 में ऑलरेडी रद्द हो गया था। हमारे पास जो नई लाइसेंस है उसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा। अब चूंकि ये कलेक्टर के द्वारा आया था, उसके सम्मान रखते हुए, उनका ये कर इज्जत रखते हुए, हमने ये हॉस्पिटल को बंद ही रखना ज़्यादा मुनासिब समझा और एक अच्छे फोरम में जाकर के इस बात को रखी और सच्चाई उस लोगों के सामने आनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों को तो कई बार लोगों ने ये भी कहा था, क्योंकि आप नया लाइसेंस लेकर के चालू कर लीजिए। कोई भी मैटरनिटी पेशेंट को लेने के लिए कोई भी अस्पताल तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में आगे चल के भी दिक्कत होने वाली है। अब ये पेशेंट के पेट किड में जो बच्चा था वो शुरू से धमदा से पीएससी में दिखा रही थी, गवर्नमेंट की देखी हुई पेशेंट, हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट, यदि खराब कंडीशन में जिसके पेट में 10 दिन पहले बच्चा मर चुका है, हमारी संस्था में आके यदि हाथ जोड़ के उनका पति इलाज करने की गुहार लगाता है, तो क्या इस कंडीशन में इलाज ना किया जाए? हम क्या करें? और मरीज जान हमारे पहचान का निकला, कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हम मरीज को नहीं बोल सके। पूरे सारे दस्तावेज पे साइन करवा के मरीज को लिया गया। रात को 12 बजे वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे गई, आईसीयू में पेशेंट थी, क्रिटिकल पेशेंट थी। आयुष्मान से नहीं, मरीज आयुष्मान नहीं था एक्चुअली में, इतना समय ही नहीं था मरीज के पास, इतनी बातें ही नहीं हो गई। बस बात इतनी हुई कि मरीज बहुत सीरियस है, इसकी जान बचाना प्रायोरिटी है। भैया रहा प्रशासन का कि इतनी सख्त नियम आप लागू करते हो, तो भविष्य में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ करके कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मैटरनिटी वाला केस को लेने के लिए हिचकेगा। इतना मान लीजिए कि कोई डॉक्टर जानबूझ करके किसी का अहित नहीं करता है और मरना नहीं है, वो हर सक प्रयास करता है, डॉक्टर मरीज को मारने के लिए नहीं, उसको वो हर संभव प्रयास करता है कि मेरा मरीज अच्छे से निकले। लेकिन ये क्रिटिकल ऐसा होता है कि कुछ भी संभव है, सेप्टिसिमिया हो कुछ है, लेकिन इस तरह के हो तो कोई भी नहीं लेगा इस तरह के केसेस। ये आप लोगों को भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए और प्रशासन को भी समझना चाहिए। मैं डॉक्टर विश्वनाथ यादव लिखता हूँ अपना, और मैं MBBS और MD हूँ, और मेरी यहाँ पे मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ। इससे पहले दिल्ली इंद्रप्रस्थ अपोलो में मैं जूनियर कंसल्टेंट था, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली साकेत में मैं सीनियर कंसल्टेंट था, बोकाट नागपुर में सीनियर कंसल्टेंट था, फोर्टिस जयपुर में मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था, रामा मेडिकल कॉलेज में मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट प्लस सुप्रिटेंडेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर, एडल्ट एंड पेडियाट्रिक्स बोथ। वहीं जब मीडिया ने CMHO डॉक्टर जे पी मेश्राम से इस मामले में जानकारी चाही, तो उन्होंने इन सब बातों को सिरे से नकारते हुए बेबुनियाद बता डाला।
साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी। साथ ही पोस्टल ऑर्डर और अस्पताल प्रबंधन को डाक के साथ ईमेल पर जानकारी दिए जाने की बात कही। देखिए, कार्रवाई कभी भी किसी अस्पताल पर की जाती है तो पहले उसे नोटिस दिया जाता है और उस कार्रवाई के बदले में अगर उसके नोटिस का संतुष्ट जवाब नहीं आता है और उसे पूछा जाता है, अगर वो जवाब संतुष्टपूर्ण नहीं दिया जाता तो नोडल अधिकारी बार बार उससे लेटर लिख करके पूछता है। यदि संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने की स्थिति पे ही कार्रवाई की जाती है। देखिए, हमने हर बार उनको नोटिस दी है हमने और उस नोटिस के जवाब में उनके पास से कोई नहीं आया है। हमने यहाँ तक स्पीड पोस्ट भी भेजा है उनको और उनको लेटर भी भेजा है, हमारे पास वो पूरे हमारे पास उसके सबूत हैं। साथ में हमारे नोडल अधिकारी द्वारा बार बार जाके चेक भी किया गया है। साथ में हमने कलेक्टर को हमेशा इस बारे में बताया गया हर बार, फिर उनको जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनने जुर्माने और बंद करने के लिए जब नोटिस दिया गया था ना ही वो बंद करे थे ना ही जुर्माना लगाए थे। इसके एवज में उनको फिर नोटिस दी गई और उसका संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आने के साथ ही उनके पास फिर अग्रिम कार्रवाई की। एकदम गलत बात है ये, ऐसा कहीं पर भी होता नहीं है और ये गंभीर बात है और इस प्रकार आरोप लगाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ वो अगर दे सकते हैं तो ज़रूर दें जिस पे हम फिर और कार्रवाई कर सकें। देखिए, हम ना हर बार जब भी नोटिस देते हैं वो सभी नोटिस को लगाया जाता है, उस नोटिस का जवाब बनाया जाता है और उसकी जो कॉपियाँ रहती हैं वो सिर्फ कलेक्टर को नहीं अपितु डायरेक्टर को भी भेजा जाता है, किंतु यह डायरेक्टर के पास भी इन्होंने अपना एक अपील जारी की थी। हमने डायरेक्टर को भी पूरी जानकारी दी, पूरा वहाँ पे बताया, तो डायरेक्टर ने भी इनकी जानकारियों को देखा और इनको दिखा कि कार्रवाई जो कलेक्टर द्वारा की गई है वो एकदम ठीक है। इस प्रकार के अगर उनके पास कोई चीज़ भी है तो वो आके यहाँ पे ऑफिस में जमा करें, जिसमें हम देख करके बताएंगे कि वो पुराना लाइसेंस इनका कैसे दो लाइसेंस मिल सकता है। हर नर्सिंग होम्स के लाइसेंस के लिए एक लेटर निकलता है जिसमें नंबर भी पड़ा होता है, तो इनके पास कौन से लाइसेंस है इस तरीके के वो ज़रूर ला के दिखाएँ, जिससे हमें ये साबित कर सके कि इनके द्वारा जो जानकारी दी जा सकती है। इस प्रकार से पत्रकार वार्ता लेके अगर गुमराह किया जाता है तो ये घोर आपत्तिजनक है, इससे शासन की छवि धूमिल होती है और ऐसे पे और इनके ऊपर कार्रवाई का योग बनता है। बहरहाल मामला काफी उलझा हुआ है, देखना होगा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।